हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MND किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं टमाटो चटनी। ये 2 मिनट में कैसे बनती है आइए आपको बताते हैं। मेरी डॉटर को बहुत पसंद है, ये बच्चों को काफ़ी पसंद आती है। आइए देखते हैं कैसे बनती है। पहले हमें एक पैन लेना है। पैन में हमें 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है। 2 टेबलस्पून ऑयल के बाद हमें 3 सूखी मिर्ची लेनी है। जितना तीखा आपको चाहिए उतनी मिर्चियाँ ऐड कीजिए आप। उसके बाद आप 6 से 7 लहसुन ऐड कर दीजिए। 2 मीडियम साइज ऑनियन कट पीसेस आप इसके अंदर डाल दीजिए और ऑनियंस को अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। 5 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिएगा। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए आप टोमेटोज ऐड कर दीजिए और टमाटोज़ को भी अच्छी तरह से मिक्स करके फ्राई कर लीजिए और उसे एक सेपरेट रख लीजिएगा। 5 मिनट कूलिंग होने दीजिए उसे। हम इसे कूल होने देंगे। कूल होने के बाद हम इसे एक मिक्सी जार में ले लेंगे और मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी आप ऐड कीजिए उसमें और उसे ग्राइंड कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से आप एक सेपरेट बाउल में निकाल लीजिए। आपको जितना गाढ़ा चाहिए आप उतना पानी उसमें ऐड कीजिए और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद आप उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर लीजिए। रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड कर दीजिएगा और मिक्स कर लीजिए उसे। अब आप मिक्स करने के बाद आपको तड़का देना है उसे और तड़का आप इसमें डाल दीजिए। देखिए हमने इसमें चटनी में डाल दिया है। हमारी टमाटर की चटनी रेडी हो गई। कितना अच्छा चटनी है पापा, थैंक यू। बहुत टेस्टी